Today we are going to discuss chapter number 4, exercise question. Exercise में question है कि predict the bond ionic or covalent and the given. जो नीचे दिए गए हैं इसमें ionic bond है या covalent bond मौजूद है. So the first one, पहला हमारे पास है MgCl2. Now MgCl2 में ionic bond है. Ionic bond. किस तरह ionic bond है? Mg का atomic number हमारे पास है 12 और इसके valence electron हमारे पास है valence electrons that is 2. अगर मैं इसका structure draw कर लूं, so this is magnesium. Now पहले shell में 2 electron, दूसरे shell में 8 electron और तीसरे shell में हमारे पास है 2 electron. अगर क्लोरीन की हम देख ले तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. तो इसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 7 है. सो एक क्लोरीन यहां पे हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ये हो गए 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 7. और मैं दूसरा क्लोरीन लेता हूं Cl, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन. MgCl2 है, 2 क्लोरीन है और तीसरे में यहां पे हमारे पास है 7 इलेक्ट्रॉन. सो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इस क्लोरीन पे आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है इस क्लोरीन को. तो रिजल्ट में जो Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें आता है Mg+2 प्लस 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन. तो इस पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नेगेटिव आ जाता है. ऑक्टेट रूल के मुताबिक इट बिकम स्टेबलाइज्ड. सो रिजल्ट में क्या बन जाता है MgCl2. एज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है बिटवीन आयंस के दरमियान. सो वी से इट, इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड. तो MgCl2 में जो बॉन्ड बनता है वो है आयनिक. दूसरा है H2O. अभी H2O में कौन सा बॉन्ड बनता है? H2O में हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड. किस तरह कोवेलेंट बॉन्ड है? एक ऑक्सीजन एटम है और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का इसके साथ आउटर मोस्ट शेल में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन है. यहां पे इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन. यहां पे ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन एक यहां पे शेयर करता है और एक यहां पे. तो रिजल्ट में यहां पे इसका डुप्लेट रूल के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये भी स्टेबलाइज हो गया. तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एच यहां पे और एक एच यहां पे. तो इसमें H2O में जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट. इसी तरह तीसरा जो बॉन्ड है CO2 में कौन सा बॉन्ड है? द थर्ड वन इज CO2. तो CO2 में कोवेलेंट बॉन्ड है. कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह कोवेलेंट बॉन्ड है? कार्बन यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन. तो इसके साथ ये जो कार्बन है इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 एक साइड पे और 2 दूसरे साइड पे. और इस ऑक्सीजन के साथ यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और 2 दरमियान में लाता है. सो रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो लेवल स्ट्रक्चर, इट बिकम स्टेबलाइज. ये भी स्टेबलाइज हो गया और इसी तरह ये भी हमारे पास. तो रिजल्ट में हमारे साथ सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ. तो कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड बनता है.